नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विचरी ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे यू वर्सेज देम। अगेन जोडियक साइन मैंने जो पोस्ट किए हैं उसमें बिल्कुल एनर्जी शिफ्ट है। जो भी आपके पार्टनर थे जो कि रन कर रहे थे आपसे, वो अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। और मेरे जो व्यूवर्स हैं जो कि चेस कर रहे थे अपने पार्टनर को इतने दिनों से, अब वो इस कनेक्शन में फिर से रिकनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। बहुत लोग करना चाहते भी हैं लेकिन डर है मन में। सो इसलिए आज हम चेक करेंगे यू वर्सेज देम फीलिंग। सॉरी, मैं 3-4 ज्योतिष साइन जो है वो लेट से पोस्ट की क्योंकि उसमें वॉइस का कुछ दिक्कत थी। मुझे लगा कि मैं रीशूट करूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, रीशूट करूँगी तो एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी। सो इसलिए मैंने नहीं किया। एक दो वीडियोस में ही साउंड का इशू है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए इस टाइम पे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। टेक्निकल इशू है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बाद में पता चलता है जो भी होता है। ओके, सो यस, सो इसलिए हम यू वर्सेस देम देखेंगे क्योंकि एनर्जी का बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे दिख रहा है अभी, ठीक है? जो लोग भाग रहे थे अब वो भाग रहे हैं आपके पीछे और आप उनसे भाग रहे हो, ऐसा लग रहा है। सो चलिए चेक करते हैं कि क्या है एनर्जी फीलिंग्स आप दोनों के एक दूसरे के लिए। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आपको जरूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। अगर चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही है तो जबरदस्ती का इस रीडिंग में अपने आपको फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ओके, और एक बात बोलना चाहूँगी मैं, अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत बहुत ठीक है, सही है, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ तो मेरी जैसे तबीयत ख़राब होती है मैं बहुत जल्दी अपने आप को हील करती हूँ। कभी कभी टाइम लग जाता है बट मोस्टली मैं अपने आप को जल्दी से जल्दी हील कर लेती हूँ विदाउट मेडिकेशन। सो मैं बहुत सही हूँ अभी। आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं ठीक हूँ अभी। गला भी मेरा ठीक है और आवाज़ भी ठीक है मेरी। थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, बस यही बोलना चाहती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एनर्जी क्या है डिवाइन इस टाइम मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, एनर्जी, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Okay. वाओ, ब्यूटिफुल टू ऑफ कप्स। मुझे लगा डिसीजन लेना चाहते हैं, पता नहीं क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। आपको लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इंसान, ठीक है? मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, एनर्जी और एक्शन क्या है डिवाइन उनके पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, फीलिंग्स और एक्शन, इंटेंशन क्या है डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। Time, please. बहुत कम लोग हैं जो अपने पार्टनर से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, सॉरी, बाकी सब जो हैं इंटेंशन और एनर्जी बहुत शिफ्ट हुई है, बहुत शिफ्ट। और ये मंथ क्योंकि 7-7 है, पोर्टल है 7-7 का, सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत लोगों की पीक पे होगी। बहुत लोग जो स्पिरिचुअलिटी से भाग रहे थे अभी खुद से इस रास्ते पे आएंगे और मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। वाओ, दोनों की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में है 10 ऑफ वॉन्स की। आप लोगों की वॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है, मैजिशियन की एनर्जी है आप लोगों की। ओके ओके, सो आपके पार्टनर के साइन जो हैं वो हो सकते हैं लियो, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। सो
सो 10-10 की एनर्जी जो है, कंप्लीशन जो है, दोनों ऑब्स्टिकल में दिख रहे हैं मुझे, कहीं ना कहीं एक साइकिल जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, या तो फिर आप उसको साइकिल को ब्रेक कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर जो है वो फेज़ कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। कुछ ना एक फेज़ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब यू नो नई एक फेज स्टार्ट होगी। सो वो एक दिक्कत मुझे लग रही है यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल है। ठीक है, ये इंसान जो है एक नया सवेरा चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक यू नो अपने पूरे लाइफ में ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ये थक गए हैं, ये टायर्ड हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, पहले हो थी नहीं थी, या फिर जिन्हों दिखाते थे चाहे नहीं दिखाते थे, अभी फीलिंग्स बहुत है लेकिन अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है ना क्वीन ऑफ कप्स की, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जो कि यू नो बहुत प्यार इनके अंदर है और ये एक्सप्रेस भी करेंगे। तो अब जो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, इतने दिन तक अगर आप उनका प्यार वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम ये इंसान जब आएंगे तो एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग्स को अपनी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना वो अपने प्यार को छुपाने वाली एनर्जी होती है, और क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी होती है, क्योंकि क्वीन है, फेमिनाइन एनर्जी है। सो इनके अंदर कहीं ना कहीं एक फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है, ये बोल सकते हैं आप, इसलिए ये आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। ठीक है, इनके मन में अभी बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत लव, बहुत इमोशन, बहुत अटैचमेंट है आपके लिए। सो ये अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे। सो पास्ट में इन्होंने भले अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया हो, लेकिन अब ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, बोलना चाहते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर करके जो है आपको ऐसा हो गया है अब कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं। सो ये अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को, बोलना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ एक लॉन्ग फ्यूचर देख रहे हैं अपना, मतलब फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, ओके, एक सेलिब्रेशन, एक यूनियन जरूर चाहते हैं। सो कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लाइफ में मैरिज पॉसिबल है, उनके लाइफ में ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं इंसान, कोई मैरिज, कोई कमिटमेंट के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं और फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। ठीक है, फ्यूचर की कोई प्लानिंग करते हैं, मुझे देख रहे हैं, चाहते क्या है, फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हैं इंसान आपको लेके। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, जो मैरिड है, जो अनमैरिड है उनके लिए ये मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए ये इंसान कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ताकि आपके मन में एक अश्योरिटी, एक विश्वास ये जगा पाएं कि ये इंसान सच में आपसे यू नो आपके साथ इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। आप इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये जताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं आप। ठीक है, सो ये इंसान आपके साथ एक सेलिब्रेशन ज़रूर चाहते हैं और उसके लिए कोई डिसीजन लेने के लिए इंसान रेडी हैं, बिल्कुल एक्शन में काटा है, इसका मतलब कि रेडी है डिसीजन लेने के लिए। अब डिसीजन क्या होगा ये आपसे जब बात करेंगे तब मालूम चलेगा कि क्या है डिसीजन इनका। ठीक है, सो जो भी डिसीजन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चले कि क्या डिसीजन ये ले रहे हैं इंसान। ठीक है, सो ये इंसान एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, आपके टूवर्ड्स एक डिसीजन लेना चाहते हैं। पहले इनको ये जो रिश्ता है वो बर्डन लग रहा था। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी उठाने से भाग रहे थे ये इंसान, इनको लग रहा था कि आप इनके लाइफ में अगर रहेंगे तो समय समय पर कॉल, मैसेज, मिलना, जो ये सब जो करना होता है फॉर्मेलिटीज़, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर यू नो इनकी एनर्जी जो है अलग अलग जगह में शैटर्ड है, तो ये नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा था। तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं उठा पाएंगे, लेकिन ये अब उनको लग रहा है कि ऑब्स्टिकल है, इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इनके ऊपर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिससे कि इंसान बर्डन है, और इनको ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्शन में ये कार्ड है, इसका मतलब ये है कि कोई दो ऑप्शन, कोई दो सिचुएशन के बीच ये इंसान एक डिसीजन लेने वाले हैं, रेडी हैं डिसीजन लेने के लिए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के सिचुएशन के लिए अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं। जो लोग यू नो डिवोर्स से प्रोसेस हो रहे थे, या फिर डिवोर्स करना चाहते थे, वो अपने पार्टनर को डिवोर्स करके मे बी आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। कुछ लोग जो अनमैरिड हैं आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, आपकी फैमिली से बात करना चाहते हैं। सो कुछ ना कुछ डिसीजन ये लेने के लिए रेडी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी अगर हम देखें तो आप जो हैं थक गए हो, टायर्ड हो गए हो, सब कुछ ख़त्म हो गया है, एनर्जी ड्रेन्ड हो गई है, सब हो गया है, स्टिल एक चांस लेना चाहते हो आप, एक मौका और देना चाहते हो, बहुत टायर्ड हो लेकिन फिर भी नहीं सक के यू नो किसी तरह से, कहते हैं ना कि किसी तरह से यू नो एक मौका और देना चाहते हो, एक ट्राई और करना चाहते हो कि कहीं ये रिश्ता जो है वो संभल जाए। ठीक है, सो ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है कि आप क्विट नहीं कर रहे हो,
बहुत लोगों के मन में ऐसा होगा, नहीं नहीं हम तो क्विट कर दिए भाई, हमें नहीं चाहिए हमारे पर्सन, नहीं चाहिए। फिर भी आप रीडिंग देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं होपफुल हो आप, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं कुछ नहीं कर रहे हो, सब कॉन्शियसली आप कुछ नहीं कर रहे हो। मे बी कॉन्शियसली आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इतना टॉर्चर कर दिया है मुझे, इतना ट्रिगर, इतना ड्रेन्ड कर दिया मुझे कि कभी भी मैं इनको और चांस नहीं दूंगी। लेकिन सब कॉन्शियसली आप वेटिंग पोजिशन में ही हो, आप एक और मौका देने के लिए रेडी हो, आप एक एक इनिशिएट करने के लिए आप रेडी हो। इनिशिएट आप नहीं करोगे बट आप वेट करके खड़े ज़रूर हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत पैशनेट हो इनके लिए, आपकी एनर्जी जो है ना इनके लिए बहुत पैशनेट है। आप इनको देख के ही खड़े हो कि ये कब आएंगे, ठीक है। भले आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ कर दिया है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप घूम के और नहीं देखोगे इस इंसान को, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वेटिंग पोजीशन में हो, कहीं ना कहीं आप इनको स्टॉक करते हुए देखते हो ये क्या कर रहे हैं, इनकी एनर्जी चेंज हुई कि नहीं, रीडिंग में आप यही देख रहे हो इनकी एनर्जी चेंज हुई कि नहीं, ये आ रहे हैं कि नहीं। सो कहीं ना कहीं आप वेटिंग पोजीशन में, बहुत पैशनेट हो आप इस इंसान के लिए ऐसा लग रहा है मुझे। और एट द सेम टाइम आप और भी चीज़ों के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो, आपने अपने ऑप्शंस को अभी खुले रखे हैं। ऐसा नहीं कि आप इसी इंसान का वेट करते बैठे हो पलके बिछा के, आप दूसरे ऑप्शंस को भी ट्राई कर रहे हो। सो जो लोग अनमैरिड हैं वो हो सकता है कि ऐसे मैरिज साइट जो होते हैं उस पर अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं और दूसरे लोगों से चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि कोई और उनकी लाइफ में आए। नई एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए भी आप रेडी हो, आप एकदम इनके इंतज़ार में नहीं बैठे हो बट आप नई एनर्जीज़ को भी वेलकम करने के लिए रेडी हो। लेकिन इस इंसान के लिए भी आप पैशनेट हो आज भी, भले आप वो मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है। आप इनके साथ एक टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम वर्क मतलब इनके साथ अब आप इमोशनली इन्वॉल्व होने से डर रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ अगर रिलेशनशिप रहे तो आप रेडी हैं, ठीक है। ये जो है ना अपनी तरफ से आप एफर्ट लगाना चाहते हैं, इनके तरफ से अब प्यार इमोशन आपके लिए है, लेकिन आपका ऐसा है कि प्यार वाले साइड में जाओ मत, फ्रेंडशिप तक अगर है, बातचीत कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहे हैं तो वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक ठीक है, बट उससे आगे प्यार तक मत आओ, ठीक है, उस एरिया तक मत आओ, उसके तुम लायक नहीं हो, वहीं रहो, वहाँ से हाय हेलो करो, तो उतना आप करने के लिए रेडी हो, ठीक है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप टीम वर्क करना चाहते हैं, आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं इस इंसान से, एज फ्रेंड, एज बिजनेस पार्टनर और एज कुछ भी, ठीक है, लेकिन आप लव रिलेशनशिप तक आप नहीं जा रहे हो, मतलब प्यार तक आप नहीं पहुँच रहे हो इनके साथ वापस से, ठीक है। आप भी बर्डन हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत आपने बर्डन आपने लिया है, अब जो है ये आपके लिए ऑब्स्टिकल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टिकल है ये, मतलब इतना आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं किसी की, किसी की आप बेबी सिटर नहीं बन सकते हैं, किसी इंसान को इतना नहीं संभाल सकते हैं कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके ऊपर आ जाए। सो आपको भी ऑब्स्टिकल लग रहा है, आपको सक्सेस चाहिए। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपको सक्सेस चाहिए, मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कुछ लोगों के लिए ये सक्सेस आपको अपनी लाइफ के लिए चाहिए। सो ऐसे बहुत लोग यहाँ पे हैं जो कि अपनी सक्सेस के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, स्पेल्स कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपको दुनिया भर की हर खुशी अब चाहिए, आप डिफेंसिव हो रहे हो, अब आपको नहीं चाहिए कि भाई एक इंसान के पीछे हम ऐसे पागल रहें, वो इंसान आए हमारे बैंड बजाए हमेशा और चले जाए, हमेशा हमें ड्रेन करें, हमारी एनर्जी लेके चले जाए और हम जो है वो रोते बैठ जाए, नहीं चाहिए आपको। आप अब अपने आप में ही आप अपने आप में ही आप सक्षम हो, आप अपने आप में ही कंप्लीट हो, ऐसा कुछ नहीं है थ्योरी आपके लिए कि कोई इंसान आएगा आपको कंप्लीट करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत लोग हीलिंग कर रहे हैं और मुझे दिख रहा था आप लोगों के स्प्रेड में जितने भी जोडिक साइन थे और जो व्यूवर्स की मेरी एनर्जी थी वो सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ है, सब अपने आप को ग्रो करने में लगे हैं, अपनी एनर्जीज पे काम करने में लगे हैं, ऐसी एनर्जी दिखी मुझे। और यहाँ भी मुझे वही दिख रही है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी ब्यूटी पे, अपने हेयर पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने पर्सनालिटी पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने आप पे बहुत फोकस्ड आप हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। मल्टी टास्किंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे, हर जगह अपने आप को प्रेजेंस रख रहे हैं और बहुत स्पेल वर्क, बहुत मैनिफेस्टेशन भी करते दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे लोग डिफेंसिव हो रहे हो, अब आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो, अब आप सेफ प्ले करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। सो पूरी दुनिया की खुशी आपको चाहिए ज़रूर, उसके लिए आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो, सक्सेस आपको ज़रूर चाहिए हर जगह, लेकिन आप जो हैं अपने ऊपर काम कर रहे हो, मतलब ये इंसान अगर आए तो वेलकम, नहीं आए तो कोई गम नहीं, आप अपनी ज़िंदगी आराम से जिए और हम अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी आप लोगों की दिख रही है मुझे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है। मैसेजेस देख लेते हैं हम, ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ये मैसेजेस पता नहीं ऊपर में ही था, मैं इसको ही निकाल लेती हूँ आज।
ओके, जो लोग मैरिड हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग अपने वाइफ या हस्बैंड से सेपरेट हो रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि ये सेपरेशन हो, ये डिवोर्स हो, नहीं चाहते हैं, वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए प्लीज़। मेरे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी और बताऊँगी कि आपको क्या करना है, ठीक है, अपना सेपरेशन रोकने के लिए। सिर्फ मैरिड लोगों के लिए है, कोई अनमैरिड इंसान जो है वो नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कि डिवोर्स से प्रोसेस हो रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि डिवोर्स हो, ठीक है, उन लोगों के लिए। ये मेरा मेल आईडी आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, मैं बहुत बहुत दिन से देख रही हूँ, बहुत दिन से सोच रही हूँ, बट बोल नहीं रही थी, लेकिन अचानक से मुझे याद आया ये चीज़। यू मेड मी अ बेटर पर्सन, देखा ना आपने, इनको ट्रिगर कर दिया है आपने, इनको ट्रांसफॉर्म होने के लिए मजबूर किया है। अब ये इंसान जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इंसान एकदम से रावण से राम बन के आपकी तरफ आ जाएंगे, तो ये नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में समय लगता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है ना, हमारे में गुस्सा होता है, जेलसी होता है, इम्पेशेंट एनर्जी होती है, सेल्फिश एनर्जी होती है, बहुत कुछ ऐसे होती है, हमें उसको हील करने में टाइम लगता है, हमें ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है। तो इनको टाइम दे, ये इंसान चेंज हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, आप दोनों में बहुत कुछ कॉमन होगा, ईगो बहुत दोनों का सेम होगा, एंगर बहुत सेम होगा दोनों का, बहुत सारी चीज जो है, क्रिएटिविटी बहुत सेम होगी दोनों की, बहुत कुछ फैमिली स्टोरीज बहुत आप लोगों के मिलते होंगे, ऐसा कुछ बहुत कुछ सेम होगा दोनों में। You are smart and practical. आप जो हैं अब स्मार्ट हो गए हैं और प्रैक्टिकल हो गए हैं, ये कह रहे हैं। पहले भी आप स्मार्ट थे होंगे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, इनका कहना ये है, ठीक है। जोकर, आपको जोकर कह रहे हैं, मे बी आप इनको बहुत हंसाते होंगे, इनका बैड मूड जो है वो आप सही करते होंगे इनको हंसा उसा के, यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, तो आप बहुत क्यूट और अडोरेबल हैं इनके लिए, ओके। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक, तो आप इनको जो भी पसंद है ना, आप हमेशा उनका रिस्पेक्ट करते होंगे, चाहे वो कुछ भी हो, आप हमेशा इनकी जो लाइक्स है उनको आपने रिस्पेक्ट किया होगा। सो ये जो है इंसान भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। टाइम दीजिए इनको ताकि और ट्रांसफॉर्म हो पाइए और आप भी ट्रांसफॉर्म होइए ताकि एक बेटर फ्यूचर आप दोनों अट्रैक्ट कर पाओ। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।